बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं देखिए सोजनी की फली की खट्टी दाल बना रही हूँ। सोजनी की फली है ये बोले तो तुवर और मसूर की दाल है। देखिए ये जीरा राई और दो हरी मिर्ची, पांच लहसुन और करियापाक बघार का है, तीन टमाटे है, देखिए नमक मिर्ची हल्दी हरी मिर्ची चाय एक छः हरी मिर्ची पीस ली देखिए मैं, अदरक लहसुन कोतमीर करियापाक दो हरी मिर्चियाँ इमली है देखिए। पे कुकर चढ़ाई देखिए, अब इसके अंदर दाल डाल रही मैं। तो ये तुवर और बोले तो मसूर की दाल दो मिला के बनाए तो खट्टी दाल बहुत मज़े की रहती, देखिए इतनी ज़बरदस्त रहती है, कुछ पूछना नहीं। मैं पूरा डाल के इसमें टमाटे हुए पूरा डाल के चढ़ा दे रही हूँ, मिर्ची नमक सब पूरा, जब गलती ना तो पूरे चीज़ों को लेके गलती ही नहीं, पूरा अच्छा रहता समझो। तो पूरा धो ली थी मैं, धो के बताइए आपको पूरा ये। तो ये देखिए थोड़ी कोतमीर डाल रही हूँ, थोड़ा करियापाक डाल रही हूँ, एक दो तीन हरी मिर्चियाँ डाल के इसको पूरा गला लेती हूँ मैं। इसको तेज़ चूल्हे पे रख के एक दो सीटियाँ हो गए बाद 10 मिनट तो कम पे रखना, देखिए गल के मस्का हो जाती है। अदरक लहसुन और मिर्ची है मेरे पास, हरी मिर्ची ख़राब हो रही तो मैं क्या कर ली इसको पीस ली, इसको पीस ले के क्या कर रही हूँ इसमें डाल रही हूँ दाल में। तो आधी लाल मिर्ची आधी हरी मिर्ची डाल के बना रही हूँ मैं। तो ये सोजने की फली की दाल इतनी मज़े की रहती है, कुछ पूछना नहीं। इसका दाल चा भी बनाते अपन, इसके शेरवे भी बनाते, खट्टे शेरवे बहुत ज़बरदस्त रहती, चूल्हा सिलवा के चढ़ा रही हूँ देखी मैं। तो खट्टे शेरवे भी इतने ज़बरदस्त रहता है, कुछ पूछना नहीं। देखिए मैं कम पे रख के इसको क्या करी, 10 मिनट तो कम पे रख दी थी, देखी गल गई दाल अभी है, एक दो सीटी के बाद कम पे रख दी थी। तो इसको पूरा बारीक नहीं घोटती मैं ये दालों को, खट्टे दालों को बारीक बोले तो पूरा एकदम ये हो जाता। तो अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, एक सीटी होने देती हूँ देखिए सोजनी की फली को, तो फिर कुकर लगाती हूँ मैं, एक सीटी हो गए बाद निकाल देती हूँ उसको, सोजनी की फली को निकाल लेके फिर घोड़ती हूँ दाल को। तो एक सीटी हो गई देखिए, अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए अब मैं पूरा ये फलियाँ पूरे निकाल लेती हूँ, निकाल के क्या करती हूँ दाल घोटे बाद उसके अंदर डाल देती हूँ मैं। तो अपन इसको ऐसा भी गला सकते, एक प्याज की डली डाल के अपन एक कुकर अलग कुकर में भी गला के डाल सकते हैं। तो मैं उसमें डबल डबल कई को बोल के इसमें क्या करती हूँ, एक सीटी होने दे के इसमें मैं गला लेती हूँ, इसके अंदर अच्छा रहता बोल के, फिर अपन डालते ना तो बाद में पूरा कवर हो जाती वो बोल के। ये देखिए पूरा गल गई, अपन एक मसूर की दाल की भी बना सकते हैं। तो मैं ये दो तीन जगह देखी थी, मेरे को इतने अच्छे दिखे दाल, दो दो डबल डबल दाल के बनाए। तो दाल जब खाते ना इतनी टेस्ट रहती मिला के बनाए से दालों को। तो मैं पहले तुवर की दाल ऐसे एक एक दाल ही बनाती थी, तो अब मैं क्या करती हूँ तुवर की दाल है तो भी मिला के डालती हूँ देखिए। तो ये इमली का खट्टा है देखिए, मैं डाली सो अभी, तो मैं एक ये करके रखी थी इमली के खट्टे को। तो ये देखिए अब ये थोड़ी कोतमीर डाल रही हूँ मैं इसके अंदर बोले तो, करियापाक वो ये डाल लेके इसको उबाल लेती हूँ दाल को। तो अपने हिसाब से डाल लेना अपने को जितने चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तीन हरी मिर्चियाँ हैं देखिए। तो ये सोजनी की फली की दाल इतनी मज़े की रहती है, कुछ पूछना नहीं। नमक अपने हिसाब से डाल लेना, मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ बता रही हूँ मैं आपको। ये देखिए अब मैं डाल ले रही हूँ फलियाँ इसमें। तो बहुत जनों को इसको डालने करने नहीं आए, तो खुला बता रही हूँ मैं आपको, दाल अच्छा गला लेना पहले पूरा गला लेके क्या करना, जब अपन निकालते देखिए वो हिसाब से थोड़ा पानी रखो, निकाल लेके क्या करना उसको, ये सोजनी की फली डाल के थोड़ा उसको एक सीटी होने देना, एक ही सीटी होने देना, ज़्यादा बोले तो नहीं खाने में नहीं आती अपने को, पूरा अलग अलग हो जाती। अतकच्ची रखना उसको, अतकच्ची रखे तो क्या है मालूम, उसको अपन उबाल लेते ना तो उसमें कवर हो जाती उन्हें, पूरा ये हो जाती। देखिए अब मैं बघार लेती हूँ इसको, तो आप राई जीरे से भी बघार सकते हैं, फली डाले बाद अपन पाँच चीज़ों में भी डाल के बघार ले सकते अपने हिसाब का रहता वो, तो बहुत मज़े की रहती इसका दाल चा। अपन कद्दू है नहीं मिले तो भी इसका दाल चा बनाते, फिर बोले थे इसको खट्टे शेरवे में भी मिला के अच्छा रहता, खट्टा शेरवा बनाए तो भी उसका समझो। बहुत फलियाँ ये बहुत खाने में बहुत महंगे मिलते फलियाँ, तो मेरे को तो 10 रुपये में एक मिली, नहीं तो 10 रुपये में तीन मिलते देखिए, नहीं तो 10 रुपये में एक, 20 रुपये में एक बोरी थी तो नहीं 20 रुपये में दो दी ज़बरदस्ती करे तो तरकारी वाली। तो ये देखिए मैं लहसुन इसमें राई और बोले तो ज़ीरा डाली, अब इसमें दो लाल मिर्ची कट करके मैं इसको पूरा ये करके डाली, देखिए थोड़ा करियापाक डालती मैं इसके अंदर। ये पांच चीज़ें डालने से क्या है अपने को बघार बहुत अच्छा रहता, बहुत ज़बरदस्त कड़क रहता इसका तड़का जो रहता ना, तो खाने में बहुत ज़बरदस्त रहता। तो मेरे चैनल पे है देखिए, कतली भी है फिर बोले तो दाल की, और खट्टी दाल भी हैदराबाद खट्टी दाल भी बनाई के बताइए, कतली भी बना, ये फलियों का भी बनाना आपको बताना बोल के बता रही मैं आपको। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कैसी दिख रही दाल, कितनी मस्त दिख रही, तो बहुत ज़बरदस्त रहती ये फलियाँ, खाने के वास्तन भी सेहत के वास्तन भी अच्छे रहते ये फलियाँ मालूम, मिलते नहीं ज़्यादा तो इसका सीजन रहे तो फुल मिलते, ये सस्ते भी रहते।
हमारे गांव के तरफ तो ज़्यादा खाते नहीं, झाड़ों को फुल रहते हैं, इसको कीड़े भी रहते, देखिए कमल के कीड़े बोलते नहीं, वो काले कीड़े, तो वो हमारे खेत में भी है, झाड़ों बहुत रहते इसको कीड़े लगे हुए। ये देखिए कितना निकाली, देखिए मैं कैसी दिख रही है और कितनी ज़बरदस्त दिख रही, देखिए। लाइक करिए फराना कुकिंग चैनल को, शेयर करिए।